वामन पुराण में ये कथा आती है। मानधाता जी कहते हैं कि अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए। बहुत समय से उनकी कुशलता का कोई समाचार नहीं मिला, तो द्रौपदी बहुत चिंतित हो गई। द्रौपदी का मन बहुत खिन्न हो गया कि अर्जुन कहाँ हैं, कुशल हैं नहीं हैं, उनके कार्य में कोई विघ्न तो नहीं है, ऐसे वो चिंता करने लगी और भगवान कृष्ण के पास गई जो साक्षात विष्णु के अवतार हैं। द्रौपदी ने उनसे कहा, हे कृष्ण, मैं अर्जुन के प्रति बहुत चिंतित हूँ, आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बतलाइए या कोई ऐसा व्रत बतलाइए या ऐसा कोई दान बतलाइए या ऐसा कोई तप बतलाइए जिससे अर्जुन दीर्घायु हो और अर्जुन की कुशलता का मुझे समाचार प्राप्त हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, जैसा प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है, ऐसा ही प्रश्न बहुत समय पहले पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा है। क्योंकि पार्वती जी संसार में सबसे पतिव्रता देवी मानी गई है। आप अगर ध्यान दें, हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, धन संपत्ति आदि के लिए करते हैं, लेकिन पुत्र और पति के लिए केवल पार्वती का ही पूजन करते हैं। पार्वती जी ने कहा है एक बार कि सभी देवता तो अमृत पी के अमर होते हैं, मेरे पातिव्रत्य में इतना बल है कि मैंने तो विष पिला के भी अपने पति को अमर किया, क्योंकि शंकर जी तो विष पीते हैं, बाकी देवता अमृत पीते हैं। तो पार्वती जी का तो दर्शन ही मंगलकारी। तो पार्वती जी से जो भगवान शंकर ने कहा था वही व्रत मैं तुमसे कहता हूं, तो सुनो। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था कि हे पार्वती जी, बहुत समय पहले की बात है, इंद्रप्रस्थ नगरी में, जो आजकल जो दिल्ली के नाम से जानी जाती है, वहां वेद शर्मा नामक एक व्यक्ति रहता था, उसकी पत्नी भी थी और उनके सात पुत्रों के बाद एक सुंदर सुलक्षणा कन्या का जन्म हुआ था जिसका नाम वीरवती था। समय आने पर उस कन्या का विवाह हुआ। विवाह के बाद पहला करवा चौथ का व्रत आया। सारे जितने व्रत हैं उनका उद्यापन व्रत करने के बाद होता है। जैसे हम सोमवार का व्रत करते हैं, सोलह सोमवार का व्रत करते हैं, उसके बाद उद्यापन मंगलवार के रखते हैं, उसके बाद होता है। लेकिन करवा चौथ का व्रत ही एकमात्र ऐसा व्रत है जिसका उद्यापन पहले व्रत पे होता है। तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो व्रत होता है वो पहला करवा चौथ का व्रत होता है, आप जानते हैं। तो पहले करवा चौथ आए, वीरवती ने व्रत रखा, सात भाइयों की लाड़ली बहन थी, दिन भर उसने जल नहीं पिया, बहुत कठिन व्रत था। और कठिन व्रत कहते हैं, आई डोंट नो, लोग तो फेसबुक पर कैसे कैसे बातें मजाक में लिखते हैं, लेकिन वास्तव में तपस्या है, त्याग है, कठिन व्रत है। बिना जल के निर्जल रहना इतना आसान नहीं, जितना कह देते हैं उतना नहीं, करने पर वास्तव में कठिन है। भाई बहुत परेशान थे। सबसे छोटा भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, वो बहन के बिना कभी भोजन भी नहीं करता था। वह दिन भर दौड़ दौड़ कर अपनी बहन के पास आता था और कहता था, बहन कुछ खा लो। बहन ने कहा, भैया वो पहले वाली बात नहीं रही, मेरा विवाह हो गया, अब मैं चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अन्न जल ग्रहण कर सकती हूँ। परंतु भाई था, छोटा भाई था, बार बार ऊपर जाके देखता था चंद्रमा का कब उदय होगा, चंद्रोदय कब होगा, पता नहीं था। फिर उसने एक युक्ति सोची, पेड़ पर चढ़कर उसने एक दीपक जला दिया और उसके दीपक के आगे एक आटा छालने वाली छलनी टांग दी। फिर अपनी बहन के पास जाकर बोला कि बहन, चंद्रोदय हो गया, तुम अर्घ्य देकर पूजा पूरी कर लो। वीरवती अपनी भाभियों के पास गई और उनसे बोली कि चंद्रोदय हो गया है, आओ हम सब पूजा कर लें। भाभियां तो सब जानती थी, इसलिए उन्होंने हंस के कहा कि अभी तुम्हारा चंद्रोदय हुआ है, हमारा नहीं।
लेकिन वीरवती बहुत भोली थी, अपने भाई पर बहुत विश्वास करती थी, भाई बहन का प्रेम था। उसने भाई पर पूरा विश्वास किया कि जो मेरा भाई कहता है वो सच ही कहता है, और उसने भाई के कथनानुसार अर्घ्य दे दिया और भोजन करने बैठ गया। व्रत खंडित हो गया। पहला कौर जैसे ही उसने मुख में डाला वैसे ही बाल आ गया, तो उसने वो जो कौर था भोजन का पहला त्याग दिया। दूसरा कौर में मुख में डाला तो किसी ने छींक दिया, अशुभ मानते हैं, वो भी उसने त्याग दिया। तीसरा कौर जैसे ही उसने मुख में डाला तो सूचना आ गई कि उसके पति का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई अचानक। पहले वर्ष विवाह का पहला करवा चौथ, ऐसी सूचना सुन के वो रोने लगी। माता भी उसकी रोने लगी। रोते हुए तुरंत अपने ससुराल को चल दी, तो उसकी माता ने कहा, बेटी जो अब होना था वो तो हो गया, लेकिन मेरी एक बात सुन, रास्ते में तुझे जो भी मिले उसके चरण छू के आशीर्वाद लेती जाना, आशीर्वाद में बहुत बल है, भाग्य को भी बदल देता है अगर सही व्यक्ति से मिले। तो वीरवती रोती जा रही थी, पर माता की बात ध्यान में रखते हुए जो भी मिलता था उसके चरण छूती जाती थी। रास्ते में एक बहुत वृद्ध स्त्री मिली, बहुत वृद्धा, वीरवती ने उसके भी पैर छुए, चरण छू के आशीर्वाद मांगा, तो उसने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। ये सुनकर वीरवती और अधिक जोर से रोने लगी। ये देखकर उस वृद्ध स्त्री ने पूछा कि रोती क्यों है, क्या बात है, मैंने तो तुझे आशीर्वाद दिया है। तो उसने कहा, माता तूने क्या आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, मेरे तो पति की ही मृत्यु हो गई, मैं कैसे सौभाग्यवती और कैसे पुत्रवती होंगी, इसलिए रोती। तो वृद्धा स्त्री इंद्राणी थी, इंद्र की पत्नी थी, तो उसने कहा कि मैं इंद्राणी हूं, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है तो यह व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं अपने तपोबल से देखती हूँ कि तेरा चतुर्थी का व्रत खंडित हो गया था, इस कारण तेरे पति का अनायास शरीर छूट गया है, परंतु मेरे आज के आशीर्वाद के प्रभाव से और मेरी कृपा से तेरे पति का शरीर क्षय नहीं होगा, न मृत्यु के बाद शरीर तो एक घंटे में क्षय होने लग जाता, तो तेरे पति का शरीर क्षय नहीं होगा, तू अपने पति की देह को जलने मत देना, अग्नि में मत जाने देना, रखना अगले वर्ष करवा चौथ तक, प्रत्येक मास चौथ के दिन व्रत करना, मेरे आशीर्वाद से तेरा पति अगले वर्ष जीवित होगा, यह कहकर इंद्राणी चली गई। उसने प्रतिवर्ष व्रत रखा, माघ मास की चतुर्थी आई, बहुत कठिन व्रत उसने रखा जो गणपति की चतुर्थी होती है, अंत में फिर आज का दिन आया, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई जो साल में एक ही दिन आती है, उस दिन उसने विधिवत व्रत किया। इंद्राणी की कृपा से पार्वती जी ने उसको दर्शन दिया। चौथ के व्रत की जो मेन पूजा है वो तो भगवती की है, पार्वती जी की है। पार्वती जी ने जब दर्शन दिया तो वीरवती ने उसके चरण पकड़ लिए और कहा कि माता मेरे पति को जीवित कर दो। पहले तो पार्वती जी ने पैर छुड़ाए, परंतु बाद में उसकी श्रद्धा निष्ठा से प्रसन्न होकर कहा कि जा, तेरे पति जीवित हो जाएगा, और मैं तेरी श्रद्धा और भक्ति से इतनी प्रसन्न हूँ कि जो भी श्रद्धा भक्ति से आज के दिन तेरे कथा सुनेगा और मेरा व्रत करेगा उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। व्रत में, तीर्थ में, मंत्र में, ब्राह्मण में जितनी श्रद्धा होती है, शास्त्र कहते हैं वैसे ही फल मिलता है, हम श्रद्धा से करेंगे तो अवश्य फल मिलता है। तो ये भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को कहा। फिर द्रौपदी ने कर्क चतुर्थी का व्रत रखा और उसे शीघ्र ही अर्जुन की कुशलता का समाचार प्राप्त हुआ और अर्जुन सभी दुखों से दूर होकर विजय हुए। तो ये विघ्न से भी रक्षा करता है, दीर्घायु भी देता है। आप सभी का मंगल हो। इस प्रकार ये कथा पूर्ण हुई। अब हम थाली